मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला बरेली में आला हजरत ट्रस्ट ने न्यूज 18 के पत्रकार पर की कानूनी कार्रवाई की मांग। आला हजरत ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने मीडिया कोऑर्डिनेटर चंगेज खां के नेतृत्व में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर कहा कि न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन द्वारा टीवी डिबेट में ख्वाजा गरीब नवाज की शान में खौफनाक रवैया देखकर करोड़ों लोगों की आस्था में ठेस पहुँचाया हुआ। हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग ख्वाजा गरीब नवाज में आस्था रखते हैं। न्यूज 18 द्वारा उनके शान में अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे पत्रकार कार्रवाई की। आला हजरत ट्रस्ट से मीडिया कोऑर्डिनेटर, मामला ये है, मांग ये है कि आज जो हम लोग आए थे जिलाधिकारी बरेली महोदय के पास अजमेर शरीफ में, पूरे हिंदुस्तान के हिंदल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सूफी संत, महान सूफी संत, जिनकी बारगाह से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन चैन आपसी भाईचारा सौहार्द की पैगाम जाता है, उन गरीब नवाज के लिए न्यूज 18 के पत्रकार अमरीश देवगन ने एक ऐसी कल खुलेआम एक डिबेट में अशोभनीय टिप्पणी करी है जिससे उनके करोड़ों अरबों चाहने वालों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है, चोटिल हुए हैं। जिस वक्त हमारा देश कोरोना की एक महामारी से हम सब मिलजुल कर अपनी संप्रदाय सौहार्द की मिसाल देते हुए लड़े हैं, उस दौर में ऐसा अशोभनीय टिप्पणी, वो भी एक इतने बड़े धार्मिक सूफी संत के खिलाफ आना बहुत ही निंदनीय है। हम सब आला हजरत ट्रस्ट और उनके सभी चाहने वाले इसकी कड़ी तौर पर मजम्मत करते हैं और ये मांग करते हैं भारत सरकार के, यूपी सरकार से, जिलाधिकारी बरेली महोदय से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्यवाही करी जाए, क्योंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और उसके आड़ में कोई गलत फायदा न उठाए, विषय धर्म धार्मिक संप्रदाय को ठेस न पहुँचाए, आपसी भाईचारा अमन बना रहे। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पैगाम इमाम हुसैन ने न्यूज 18 के पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पैगाम इमाम हुसैन संस्था के संरक्षक हैदर अली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संस्था अध्यक्ष हकीम आहिद हुसैन के नेतृत्व में अमीश देवगन के द्वारा दी गई हजरत मोहद्दीन चिश्ती खाजा गरीब नवाज के विरुद्ध गर्माहीन टिप्पणी के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इसमें अमीश देवगन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के भारत में एकता ढांचे को बचाने, मजबूत कराने की मांग की गई। संस्था के अध्यक्षों में संबोधित करते हुए कि हैदर अली ने बताया कि भारत गंगा जमुना संस्कृति की देश है, इसमें कौमी एकता के स्वरूप कोई मानसिकता देवली हमला करेगा तो बेटा जमुना तहजीब का देश मिलकर ऐसे लोग के विरुद्ध लामबंद कार्रवाई करेंगे। और प्रत्येक जाति संप्रदाय वाला लोग दूसरे के धर्म के और संप्रदाय का सम्मान करता रहा है। हमारी तहजीब इस बात पर रही है कि जब हिंदू को दर्द होता है तो मुसलमान उस दर्द में खड़ा होता है और जब मुसलमान को दर्द होता है तो उसमें हिंदू भाई खड़े हो जाते हैं। परंतु कुछ लोग इस गंगा जमुना तहजीब को तोड़ना चाहते हैं, उसी में एक पत्रकार है अमीश देवगन, जिन्होंने हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज, जिनसे सब तमाम धर्मों के लोग जिनके आस्थाने पर जाते हैं फैजियाब होने के लिए, उनकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की, उनको माजल्ला लुटेरा कहकर टीवी पर बुलाया। ऐसे दुस्साहस और गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश के बैनर तले उनके अध्यक्ष आहिद हुसैन के साथ आज हम ये मांग करते हैं जिलाधिकारी बरेली के द्वारा कि ऐसे पत्रकार के विरुद्ध, ऐसे दुस्साहसी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं आपको बताते चले कि फैजान नियाजी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सरपंच डॉक्टर कमाल मियां नियाज ने आज जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि न्यूज 18 के एंकर मैनेजिंग डायरेक्टर अमीश देवगन में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर टिप्पणी के विरुद्ध जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। फैजान नियाजी और वेलफेयर सोसाइटी और खानकाह नियाजिया की जानिब से ये ज्ञापन दिया है, जो न्यूज 18 के एंकर हैं अमीश देवगन ने, उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों की आस्था का केंद्र हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जो कौमी एकता गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी वजह से सब लोग एक साथ रहते हैं, और हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री जिनके हर साल उर्स में चादर पेश करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करी है जिससे पूरे मुल्क में लोगों में गम गुस्सा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, उनको जर्नलिस्ट के पद से हटाने के लिए, क्योंकि जर्नलिज्म भी बदनाम हो रहा है, मांग करने हम लोग आए हैं यहाँ पर कि ताकि उनके साथ फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि तमाम दुनिया में गरीब नवाज मशहूर हैं, हिंदुस्तान हमारा ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से मशहूर है, हमारे मुल्क की छवि ख़राब हो रही है ऐसे लोगों के इस टाइप के उल्टे सीधे बयान देने के, देश का माहौल ख़राब हो रहा है। हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फौरन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इनको फौरन जर्नलिज्म की जो एसोसिएशन है
वो भी इसको इस जर्नलिस्ट के पद से, एंकरिंग के पद से न्यूज़ 18 हटाए, क्योंकि उनका चैनल भी बदनाम हो रहा है, जर्नलिज्म बदनाम हो रहा है, मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। मेरी मांग यही है कि मुल्क का माहौल बरकरार रहे, अमन और कायम रहे, मोहब्बत भाईचारा हमारे मुल्क की जो पहचान है वो बरकरार रहे, क्योंकि ये कोरोना वायरस ऐसे मौक़े पे इस टाइप के घिनौने और मुल्क का माहौल ख़राब करने वाले जो बयानात आएँ, इसकी हम, हमारी सोसाइटी, खानकाह नियादिया, तमाम अमन पसंद लोग इसकी मजम्मत करते हैं तहे दिल से। और हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।